वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज़ में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की प्लाट पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसे तुरंत कैसे का लिखाया जाए, ये प्रोसेस आप इस वीडियो से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो से जानने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आइकन है उसे दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के मकान पर अगर कब्जा कर रखा है तो उसे तुरंत किस प्रक्रिया से हटा सकते हो आप दोस्तों, इस वीडियो से आप जान सकते हैं। दोस्तों मान लो किसी व्यक्ति ने आपके प्लाट या मकान पर कब्जा कर रखा है तो आप उसे तुरंत हटा सकते हो, लेकिन तुरंत हटाने की क्या प्रक्रिया है क्या नहीं है आप इस वीडियो से जानेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपके मकान पर कब्जा कर रखा है या आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आप उसे बलपूर्वक हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन है, अगर उस व्यक्ति ने 12 साल से कम या एक दो महीने या एक दो साल से कब्जा कर रखा है तो आप बिना कोर्ट की इजाजत से आप उसे बेदखल कर सकते हो, उसे हटा सकते हो, बलपूर्वक हटा सकते हो या कैसे भी उसे हटा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर उस व्यक्ति ने वर्षों से या 12 साल से ज्यादा या 20 साल से ज्यादा अगर उस व्यक्ति ने आपके मकान या प्लाट पर कब्जा कर रखा है तो आप उसे बलपूर्वक या उसे आसानी से नहीं हटा सकते। क्योंकि अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल या 15 साल से ज्यादा या 12 साल से ज्यादा अगर कब्जा कर रखा है उस जमीन पे तो वो उस जमीन का मालिक बन सकता है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। लेकिन दोस्तों उसे हटाने की क्या प्रक्रिया है ये आप इस वीडियो से जानें, क्योंकि उस व्यक्ति को आप कोर्ट में जाकर उसे बेदखली का दावा कर सकते हैं, उसे कानून के तौर से उसे अपना प्रूफ साबित करें कि ये मेरी पट्टाशुदा जमीन है, मेरी खाता शुदा जमीन है, इस व्यक्ति ने जबरन इस पर कब्जा कर रखा है। तो आप कोर्ट से हटाने का आदेश लाए, उसके बाद ही उस व्यक्ति को आप हटा सकते हैं, अन्यथा आप उस व्यक्ति को हटा नहीं सकते। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर 12 साल से ज्यादा कब्जा कर रखा है तो उस जमीन का मालिक बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आप उस जमीन पे 12 या 20 साल से कोर्ट ही पूछता है कि आप कितने दिनों से आप कहाँ थे, आपको ये पता नहीं था कि ये जमीन आपकी है कि नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे कब्जा करे तो उसे तुरंत बलपूर्वक या आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर 12 साल से ज्यादा किसी व्यक्ति का कब्जा रहता है तो आप उस जमीन को नहीं हटा सकते, क्योंकि उस जमीन से कब्जा हटाने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा।